इसी बीच सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है, जहां पर डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। घर के अंदर पति पत्नी की हत्या की गई और बुजुर्ग पति पत्नी घर में अकेले रह रहे थे जिनकी हत्या की गई। बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या की गई और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सीतापुर से ये जानकारी, जहां पर डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग दंपत्ति अकेले घर में रह रहे थे जिनकी हत्या कर दी गई। घर के अंदर पति पत्नी की हत्या की गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रोहित बाजपाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरा मामला है? बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कैसे, किस तरह की गई? अरे मैं आपको बता दूं, ये कमलापुर थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति अकेले घर में रहते थे। जो उसका पति है वो पॉलिथीन बेचने का काम करता था। रात में पुलिस को सूचना मिली 9:45 पर कि किसी ने दंपत्ति की हत्या कर दी है। बताया तो जा रहा है कि इनके नाती ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है तो इनकी पत्नी की बॉडी दूसरी मंजिल पे मिली है और इनकी खुद की बॉडी नीचे दुकान पे मिली है। पुलिस ने मामले की जांच की है। इसमें परिवार वालों ने 5 नामजद लोग के नाम तहरीर दी है, जिसमें 5ों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 5ों से पूछताछ की जा रही है। जी चलिए रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।